दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा में गत दिवस सांसद जनार्दन मिश्रा, रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह की उपस्थिति में गुप्ता पेट्रोल पंप से मंडी पहुंच मार्ग का लोकार्पण किया गया, जिसे रीवा जिले को एक और बड़ी सौगात देने की बात कही गई। लेकिन उस लोकार्पण के संबंध में कांग्रेस पार्टी से महापौर के प्रबल दावेदार विनोद शर्मा ने सवाल खड़ा कर दिया है। विनोद शर्मा ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला जो भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ अधूरे कर ठेकेदारी की जा रही है। श्री शर्मा ने कहा कि जिस सड़क का लोकार्पण किया गया है, वहां आज भी जेसीबी मशीन चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि राजेंद्र शुक्ला अपनी जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां ही मौका मिला वहीं लोकार्पण या फिर भूमि पूजन कर देते हैं। इतना ही नहीं, विनोद शर्मा ने राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि पूरे जिले में कोरिक्स बिक रही है, विधायक राजेंद्र शुक्ला को युवाओं के भविष्य के प्रति कोई चिंता नहीं है, वो अगर कोरिक्स की बिक्री पर रोक नहीं लगवा पाते हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता विनोद शर्मा ने किस पर कैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कल लोकार्पण हुआ है, इसमें आपने बयान जारी किया है, क्या बयान? क्या ये तो पूरा रीवा जानता है कि राजेंद्र शुक्ला जी को जल्दी पड़ी रहती है, उनके एक जेब में नारियल और एक जेब में कैंची रहती है। जब से वो विधायक बने, पहले मंत्री थे, इस बार दुर्भाग्य से मंत्री नहीं बन पाए, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में और आ गए। वो ये बता दें कि कौन सा उनके द्वारा कराया गया प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से हुआ, चाहे आप दतहरा से लेकर के रेलवे स्टेशन तक की सड़क देख लो, दसों बार बनाए, तीन चार बार वो खुद ठेकेदार रहे, एक दो बार वो दूसरों को ठेका दिलाए। उनका उद्देश्य किसी न किसी तरह से ठेकेदारी चलती रहनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी वो पूरा नहीं। तो जो अभी कल जिस रोड का उन्होंने लोकार्पण जनता को समर्पित किया, वहाँ तो अभी जेसीबी चल रही है, आप चलो मेरे साथ देखो, वहाँ काम चल रहा। उनको जल्दी पड़ी रहती है। यदि उनको श्रेय लेना है तो ये श्रेय लें कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा कोरेक्स रीवा में बिक रही है, इसका श्रेय वो लें, और नहीं तो इस्तीफा दे दें। रीवा के युवाओं को रोजगार ना देने के पड़े तो उसके लिए वो कोरेक्स भी कनवा रहे। आज तक आपने कभी पाया कि कोरेक्सों की दुकान में छापा पड़े, नशों की दुकानों में छापा पड़े? इतनी कोरेक्स रीवा में क्यों बिक रही है, किसके संरक्षण में बिक रही है? तो राजेंद्र शुक्ला जी को रीवा के न युवाओं से मतलब है, न रीवा की जनता जनार्दन से मतलब है, न रीवा की जनता को पानी शुद्ध पेयजल मिल पा रहा, उनको तो मिल पा रहा तो केवल ढकोसले वादे। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि रीवा के विधायक का जो झूठ का पुलिंदा है वो पूरा विश्व जाने कि इनके द्वारा कराए गए कोई भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते, इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो कि ये लोकार्पण के लिए जाने जाते हैं, इनके एक जेब में नारियल और एक जेब में कैंची रहती है, इसके लिए इनको इनाम देना चाहिए।